फैसिनेटिंग पीपल एंड वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। इस वक्त हमें दोस्तों श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज अपनी यात्रा होने वाली है इंडिगो की फ्लाइट में श्रीनगर से अमृतसर के बीच में। और श्रीनगर एयरपोर्ट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अभी फिलहाल समर का टाइम चल रहा है तो आप ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत हो रखा है, फूल खिल रखे हैं। और ये देखिए मौसम, हालांकि काफ़ी ठंड है अभी भी यहाँ पर, बट आप ये देखिए एयरपोर्ट कमाल का खूबसूरत है। जितना ये एयरपोर्ट खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी क्या है आप सभी जानते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह करना टर्मिनल के अंदर तो प्रोहिबिटेड है, तो बाहर आप कर सकते हैं, फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं। CISF के गार्ड वगैरह भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, बस आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर कुछ रिकॉर्ड वगैरह मत करिए फॉर सेफ्टी पर्पज़। तो अभी सीधा चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे सीधा डिपार्चर गेट पर, और अभी मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेकिंग करवाने। और यहाँ पे 3 लेयर की सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो यदि आप यहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं ना तो भाई सफिशिएंट टाइम लेके आएँ, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होती है। यहाँ खाने पीने की दुकान, आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर, साथ में टूरिस्ट सिम कार्ड और ATMs वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये रहा एयरपोर्ट का डिपार्चर हॉल, टोटल 6 गेट्स हैं यहाँ पे, और खाने पीने की दुकानें हैं, और तो और आप यहाँ पे कश्मीर की मैन्युफैक्चर चीज़ें भी ले सकते हैं। तो हमारी इंडिगो की फ़्लाइट आज जाने वाली है गेट नंबर 5 से, 10:05 पे बोर्डिंग है इसकी, और यहाँ से इसका डिपार्चर 10:50 पे होने वाला है, पर अभी तक आई नहीं है हमारी फ़्लाइट, शायद बोर्डिंग थोड़ी हमारी डिले से हो आज। गेट नंबर 5 पे अभी स्पाइस जेट की बोर्डिंग हो रही है जो कि जाएगी दिल्ली की तरफ। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे जैसा लग रहा था गेट नंबर 5 पे आ चुकी थी स्पाइस जेट की दिल्ली जाने वाली एयरलाइन, तो हमारा गेट चेंज करके अब गेट नंबर 4 कर दिया गया है। तो अभी हम गेट नंबर 4 की ओर जा रहे हैं। गया श्रीनगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, अभी जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं ना उस टाइम भी आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है, और साथ ही साथ आपका हैंड बैगेज भी चेक किया जाता है। सीट होने वाली है 14F, ये रही, और अभी आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट लिटरली 50% खाली है। तो ये रही अपनी सीट, हाँ मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, और एयरक्राफ्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा खाली है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों यार मैंने विंडो सीट के पैसे पे किए, काश नहीं करता, तो क्योंकि इतनी सारी सीट्स खाली हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी देखते हैं, बोर्डिंग अभी बंद होने में तकरीबन 10-15 मिनट और हैं, तो देखते हैं कितने पैसेंजर्स और आते हैं। बाकी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है यार, जो मैंने विंडो सीट के पैसे पे किए हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। इस एयरबस A320 में आप देख सकते हैं लेग स्पेस कैसा है, मतलब आज फिलहाल एयरक्राफ्ट खाली है तो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, मैं इसके ऊपर पैर रख के भी सो सकता हूँ। यहाँ पर दिया गया है हेलो 60 मैगजीन, साथ में वही अपना कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। ये रही विंडो, सामने खड़ा है स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट जो कि जाएगा दिल्ली की तरफ, और उसी के चक्कर में आज हमारी बोर्डिंग गेट को बदला गया है। ये AC डक्ट्स है, ये अपना लाइट। हेलो 60 मैगजीन में आपको ऑन बोर्ड मेन्यू मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ रेडी टू ईट और स्नैक्स मिलेंगे। ये देखिए ये रेडी टू ईट मील है, और इनमें आप जो ऊपर अगर परचेज करेंगे ना तो उसमें आपको बेवरेजेस कोई से भी एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, चाहे स्नैक्स हो या रेडी टू ईट मील हो। यदि आपको वाटर बॉटल चाहिए होगा तो आपको 500 ml का 100 rupees पे करना होगा, वन आप रिक्वेस्ट करने पर 1 कप पानी मांग सकते हैं। स्पाइस जेट और हमारी एक साथ टैक्सिंग हो रही है, देखते हैं पहले किसे क्लियरेंस मिलती है टेक ऑफ के लिए। So we are ready for take off.
सिक्स वाली सीट इतनी बकवास होती है, मतलब पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है। तकरीबन अगले 5 मिनट में हम अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, तो मैं आप सभी को फेयर की जानकारी दे देता हूं। अगर आपको कभी भी श्रीनगर से अमृतसर के बीच में ट्रैवल करना है तो आपको मिनिमम फेयर कम से कम इसका 3500 रुपीस पड़ेगा, अगर आप ऑफ सीज़न या किसी नॉन हॉलीडे वाले दिन जाते हैं तो। अगर छुट्टी का वक्त रहे या कोई फेस्टिवल वगैरह रहे तो फेयर काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा क्योंकि फ़्लाइट का कोई भी फेयर फिक्स नहीं होता। तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से एयरलाइन फ़्लाइट्स के फेयर को फिक्स ऊपर करती है या नीचे करती है। आज तकरीबन इस 35 से 40 मिनट की फ़्लाइट के लिए पे किया है अराउंड 3800 रुपीज़ के करीब। यहाँ हम पूरा यू टर्न ले रहे हैं। क्या आप सभी लोग गोल्डन टेम्पल यानी हरिमंदर साहिब जी का गुरुद्वारा देख पा रहे हैं? अगर रात का वक्त रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चमचमा रहा होता। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। पहले इस एयरपोर्ट को राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये अमृतसर के राजा सांसी नाम की जगह पर स्थित है। फ्लाइट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यार काफ़ी खाली फ्लाइट थी, तो लगा ही नहीं कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। फुल छोटी सी फ्लाइट थी, तकरीबन 30-35 मिनट का सफ़र था, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा रिव्यू वगैरह करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि ऑन बोर्ड सर्विस भी शुरू नहीं हो पाई, इतनी छोटी फ्लाइट थी। तो ऑब्वियस रीज़न है कि यार इतनी छोटी फ्लाइट थी तो क्या ही खाना पीना सर्व करते, कब खाते कब क्या करते। तो ऐसे ही बस नज़ारा देखते देखते हम अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं सीधा, और मेरे पास कोई लगेज वगैरह तो है नहीं, फ्री ट्रैवल कर रहा हूँ एकदम, क्योंकि श्रीनगर जाना था और आज सुबह ही दिल्ली से निकला था, श्रीनगर गया था, अब श्रीनगर से अमृतसर आ चुका हूँ। अब यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस बोर्ड करके रात तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा, तो मैं सोचा क्या लगेज वगैरह कैरी किया जाए। देखिए ऐसा है कुछ अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सभी को बता दूं अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। यहाँ से आपको लंदन, बर्मिंघम, साथ दुबई, इधर मलेशिया, मतलब काफ़ी जगह के लिए आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मिल जाएंगी। एयरपोर्ट तो अभी तक फ़िलहाल काफ़ी शानदार लगा मुझे, काफ़ी नीट एंड क्लीन है।